The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Kab hota hai stroke? Aap logon ne suna hoga, many of you might have seen also in your daily, in your life, ki kisi ko kabhi lakwa maar gaya. कभी किसी के एक तरफ की यहाँ की सेंसेशन चलेगी या एक मुंह टेढ़ा हो गया या किसी का एक हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का दोनों एक हाथ एक पैर दो पूरा साइड काम नहीं कर रहा है, राइट. किसी का मुंह टेढ़ा फिर बातें करता हूँ, हाँ वो लोग क्या हो गया, राइट. सो ऑल ऑफ दीज और ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दिस इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रोक. ये सब लक्षण है स्ट्रोक के. मगर ये स्ट्रोक है क्या, होता क्या है ये स्ट्रोक और कैसे होता है, किस चीज़ से स्ट्रोक होता है और कैसे प्रिवेंट होता है. देखिए ऑब्वियसली चीज़ है कि हर एक सेंसेस ये सारी चीज़ों को आपका दिमाग कंट्रोल कर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग बाय नर्व्स, राइट. एंड ब्रेन ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन, ब्रेन ऑल्सो नीड्स ब्लड, एवरीथिंग वर्क्स ऑन ब्लड. सो आपके ब्रेन में जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जब ब्लड सप्लाई कहीं पर कम जाती है बिकॉज ऑफ अ क्लॉट और एन एम्बुलस, थ्रॉम्बस, एम्बुलस, क्लॉट, कुछ भी बोलिए. एम्बुलस क्या है, देखिए ब्रेन की खून की नसें होती हैं, एक छोटी छोटी पाइपलाइन होती हैं, जैसे कि एक पाइपलाइन ये है. अगर इस पाइपलाइन के अंदर कुछ चीज़ जारी है तो मोटे मोटे हिस्से से जाएगी, आगे छोटे हिस्से में जाके फंस जाएगी. फंसने के बाद क्या होगा, आगे ब्लड नहीं जा पाएगा. तो जिस भी हिस्से को जा रहा हो, मान लो ये दो हिस्से हैं ब्रेन के, और मान लो कि इसमें ये हो गया कि यहाँ पर से क्लॉट आया और ब्रेन के एक हिस्से में जाके यहाँ टक से यहाँ फंस गया. अब क्या होगा, इस हिस्से में जाने वाले को ब्लड मिल रहा है लेकिन ये हिस्से में जाने वाले को इस तरफ से ब्लड नहीं मिल रहा. तो ये पूरा का पूरा यहाँ फंस गया, अगर यहाँ फंस गया, मान लो यहाँ फंस गया, तो क्या होगा, इस पूरा का पूरा हिस्सा जो ब्रेन का जहाँ ब्लड नहीं जा रहा वहाँ स्ट्रोक हो जाएगा. स्ट्रोक का मतलब होता है कि एक सेरिब्रो वैस्कुलर अटैक, CVA. सेरिब्रो दिमाग, वैस्कुलर मतलब खून की नसें, अटैक मतलब देयर इज अ एक्यूट था अटैक. क्या अटैक, खून ही नहीं जा रहा वहाँ पे, वहाँ खून ही नहीं जा रहा तो क्या होगा, वहाँ का हिस्सा काम करना बंद कर देगा. क्या क्या काम, जो भी काम, मान लीजिए कि अगर आपका ब्रेन है, सोच लो एक एग्जांपल के तौर पे कि ब्रेन का कोई हिस्सा है जो हाथ कंट्रोल करता है, कोई हिस्सा है जो दूसरा हाथ कंट्रोल करता है, दूसरा हिस्सा पैर कंट्रोल करता है, तीसरा हिस्सा पैर कंट्रोल करता है, बीच में एक हिस्सा छाती में कंट्रोल करता है, तो यहाँ का हिस्सा बंद हो गया, मतलब एक पूरा हिस्सा बंद हो गया. एक पूरा हिस्सा बंद हो जाएगा तो आपका एक पूरा हाथ और एक पूरा पैर, अब ये ऐसे इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में ब्रेन में स्ट्रोक हुआ तो राइट साइड का हिस्सा बंद हो जाता है, ऑपोजिट है, राइट. राइट साइड में स्ट्रोक हुआ तो लेफ्ट साइड का हिस्सा बंद हो जाता है. सो दैट हैपन्स इन स्ट्रोक. दिस इज इस्चीमिक स्ट्रोक. इस्चीमिया मतलब जहाँ खून नहीं जा रहा. टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, दो तरीके के स्ट्रोक होते हैं. वन इज इस्चीमिक स्ट्रोक. सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रोक इज अ हीमोरेजिक स्ट्रोक. हीमोरेजिक स्ट्रोक का क्या मतलब, मान लो कि ये क्लॉट व्लॉट कुछ नहीं था, आपका पूरा सिस्टम, खून की नसें सब बढ़िया बरकरार, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन कुदरती तौर पर आपके जैसे गुब्बारा होता है, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, ये पाइप में अंदर एक जगह है, ये पाइप में मान लीजिए कहीं पर एक छोटा सा हिस्सा जो है उसको अगर मान लो हम आग लगा दें यहाँ पे या थोड़ा सा बर्न कर दें तो ये क्या होता है, एक हिस्सा कमज़ोर हो जाएगा तो अगर तो ये कई बार क्या होता है, अंदर से फूंक सकता है. सो हम आग तो नहीं लगाने, लेकिन कुदरती तौर पर आपकी खून की नसों में एक आधी जगह पर बल्ज है, एन्यूरिज्म है, उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं. बल यानी एक जगह जो खून की नस जानी चाहिए उसमें गुब्बारा है, राइट. वो गुब्बारा जब भी प्रेशर बढ़ता है बढ़ जाता है, जब भी प्रेशर ठीक होता है ठीक हो जाता है. तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है और साथ में ऐसा कोई एन्यूरिज्म है, वो एक तरीके का टाइम बॉम्ब है, वो टाइम बॉम्ब है उनके दिमाग में. ये एन्यूरिज्म नॉर्मली पहले से कभी नहीं पता चलता, कौन कराता है, अगर रेगुलरली MRI अपना नहीं कराता, एंजियोग्राम कोई नहीं कराता, तो रेगुलर में कुछ नहीं पता चलेगा, आपको होगा सीधा स्ट्रोक. यानी एकदम से एक जगह जाने वाली खून की नस फट गई खून की नस. वहां क्या होगा, ब्रेन के अंदर खून की नस फट गई तो वहां ब्लड बहना शुरू हो जाएगा. वेरी सिंपल, खून बहना शुरू हो गया, आसपास खून बह रहा है, तो वो क्या करेगा, ब्रेन इज अ क्लोज्ड स्पेस, बंद जगह पे खून बह रहा है तो वो खून चीजों को, ब्रेन को दबाएगा इधर उधर, और ब्रेन भी उसको दबाएगा, रिजिस्ट करेगा कि मैं नहीं हट रहा, तो वो एक तरीके से दबाव बन जाएगा,
एक खून का क्लॉट बन जाएगा, बड़ा सा थ्रोम्बस बन जाएगा, खून का कलेक्शन बन जाएगा, जो कलेक्शन ब्रेन को दबाएगा, और इस दबने के वजह से, ब्रेन के दबने के वजह से सिम्टम आएंगे, स्ट्रोक होगा। अगर ये ब्लीडिंग बहुत हैवी है, जितना प्रेशर होगा, मान लो थोड़ा सा रिस रहा है ब्लड, थोड़ा 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 थोड़ा, छोटा सा थोड़ा सा भी होगा प्रेशर तो ब्रेन दबा देगा उसको, तो ब्रेन दबा हुआ मतलब वो हिस्सा वहीं छोटा रुक जाएगा। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत हैवी है तो वो पूरे ब्रेन को ऐसे कोने में धक्का मार सकती है। मिड लाइन होता है ऐसा, ब्रेन बिल्कुल सेंटर में होता है। अगर ये ब्रेन यहाँ से दब गया और ब्रेन मिड लाइन शिफ्ट होगी, तो मिड लाइन शिफ्ट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। मिड लाइन शिफ्ट के मतलब है कि पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल है। अर्जेंट अगर सर्जरी करके उसको सीधा किया नहीं, ब्रेन को प्रेशर नहीं निकाला, डिकम्प्रेशन नहीं करा, तो पेशेंट मर सकता है, तुरंत मर सकता है। दिस इज़ वेरी वेरी एक्यूट, वेरी डेंजरस थिंग। हीमोरेजिक स्ट्रोक इज मोर डेंजरस देन इस्चीमिक स्ट्रोक। इस्चीमिक स्ट्रोक उम्र के साथ भी हो जाता है, कईयों को होता है, उम्र के साथ हमारी खून की नसों में ब्लॉक के जाता है, सबके आता है, सबके आएगा, आपके मेरे सबके आएगा, और आगे चल के कुछ कुछ एजिंग के रिलेटेड थोड़े बहुत इस्चीमिक एरिया मिल जाएंगे हमें MRI में, बट दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। बिग इशू इज हीमोरेजिक, हीमोरेजिक यानी ब्लीडिंग, दिमाग में ब्लीडिंग। सो दिस इज वेन स्ट्रोक हैपन्स, ये होता है जब स्ट्रोक होता है। देख लेते हैं कुछ सवाल, अगर आपके कुछ सवाल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखिए, हम जरा सवालों के जवाब दे देते हैं। ऑलराइट।